हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज वेजिटेबल ड्राइंग। ओके, मटेरियल रिक्वायर्ड इज HB पेंसिल, स्केल, इरेजर, एक्वा पेंसिल वाटर कलर। एक्वा पेंसिल वाटर कलर, क्लियर? एंड रफ फ्लोर और वाटर एंड ब्रश। नाउ स्टार्ट टुडे वर्क वेजिटेबल ड्राइंग। फर्स्टली हम एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे 12 इंच, सॉरी 12 सेंटीमीटर, और ये भी हम 12 सेंटीमीटर लेंगे। दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। 3 सेंटीमीटर विड्थ है और 12 सेंटीमीटर लेंथ। अब इसके अंदर हम लेडी फिंगर ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे, और फिर इसको इधर से टच करते हुए ऐसे ऐसे ही हम बॉटम से लेंगे। ये हमारी लेडी फिंगर ड्रॉ हो गई। अब हम बनाएंगे पटैटो। पटैटो के लिए फर्स्टली हम ओवल शेप लेंगे ऐसे। इसको पटैटो तो वैसे ओवल शेप में ही होता है, तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको। इसके लिए हमें लेआउट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ये हमने डायरेक्ट पटैटो ही ड्रॉ कर दिया। एक हम बनाएंगे ब्रिंजल। ब्रिंजल के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, 12 इंच की ही ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हम ऐसे ड्रॉप शेप में शेप लेंगे, जैसे वाटर ड्रॉप होती है ना, ऐसे। अंदर हम लीफ शेप में ड्रॉ करेंगे ऐसे। ऊपर वाली टॉप वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे और एक्स्ट्रा लाइन हम रब कर देंगे। ये देखो कितना इजीली ड्रॉ गया है। जो हमने ड्रॉ की थी शेप लेने के लिए, उसको आउटर लाइन रब कर दो। क्लियर? हम बनाएंगे ऑनियन। ऑनियन के लिए हमें ट्रायंगल शेप लेनी है, 7 इंच, और इसके अंदर हम ऑनियन ड्रॉ करेंगे ऐसे। डायरेक्ट भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लेआउट बना के करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। ये ऑनियन ड्रॉ गई।
अब हम इसमें कलर्स करेंगे। एक्वा पेंसिल वाटर कलर कैसे यूज करते हैं, ये देखो जैसे हम पेंसिल कलर यूज करते हैं ना, ऐसे ही हम ये कलर भी यूज करेंगे। ये थोड़ा मेथड इजी होता है। लेडी फिंगर के लिए हमें ग्रीन कलर चाहिए और येलो कलर, ठीक है। पोटैटो के लिए ब्राउन कलर, ब्रिंजल के लिए ब्रिंजल पर्पल कलर, लेडी फिंगर में पहले हम येलो कलर करेंगे। बहुत लाइट ऐसे येलो, फिर हम उसी के साथ ऊपर ग्रीन कलर, जैसे हम पेंसिल शेडिंग करते हैं ऐसे ही यूज करना है हमें। ब्लैक पेंसिल यूज करते हैं ना, ऐसे ही हम कलर पेंसिल यूज करेंगे। ये देखो ये हमने शेड करी। अब हम ब्रश लेंगे और हल्का सा ब्रश में वाटर लेंगे, बहुत कम, सिर्फ वाटर ही लेना है हमें, ठीक है। और इसको हम इस वाटर से इस कलर को इसी में स्प्रेड कर देंगे ऐसे। ये देखो हमारी लाइट एंड डार्क शेड आ जाएगी, वाटर कलर इफेक्ट आ जाएगा पूरा। ऐसे पूरी लेडी फिंगर में ब्रश से कलर को स्प्रेड कर देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगी तो हम इसमें आउटलाइन करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम पोटैटो में शेड करेंगे। पोटैटो के लिए हमें ब्राउन कलर यूज करना है, ब्राउन कलर यूज करना है हमें, और ऐसे ही शेडिंग करनी है। साइड साइड से करना है थोड़ा डार्क शेडिंग, तो सेंटर में थोड़ा लाइट। ये कलर नॉर्मल पेंसिल कलर नहीं है,
ये कलर एक्वा वाटर पेंसिल कलर है, इसमें डॉम्स और स्टैडलर दो कंपनीज में आते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी कलर यूज कर सकते हो, नॉर्मल पेंसिल कलर नहीं होगा, एक्वा वाटर पेंसिल कलर यूज करना है। अब ऐसे ही हम ब्रश में हल्का सा वाटर लेंगे और इस कलर को भी हम ऐसे ही स्प्रेड करेंगे। ये देखो साइड से हमारा थोड़ा डार्क शेड आएगी क्योंकि हमने कलर थोड़ा सा शेडिंग में डार्क किया साइड में, और सेंटर में हमने लाइट किया है तो लाइट होगा। ये भी जब ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें फाइनल टच देंगे बाद में। कंप्लीट। अब हम बनाएंगे ब्रिंजल में शेड करेंगे। ब्रिंजल के लिए हमें ग्रीन एंड पर्पल कलर यूज करना है। पर्पल कलर और ग्रीन कलर, जैसे हमने लेडी फिंगर में किया था ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। हल्का सा येलो, फिर हम ग्रीन, वन साइड शेड देंगे। अब हम नीचे पर्पल कलर करेंगे। नीचे से थोड़ा डार्क करेंगे, सेंटर से थोड़ा लाइट। ये देखो शेड किया। अब इसमें भी हम वही मेथड यूज करेंगे, वाटर ब्रश लेंगे और पहले हम ग्रीन वाला पार्ट आपस में मर्ज करेंगे कलर को। अब हम ब्रिंजल में ऐसे करें, ये देखो कितना डार्क हो गया ना। सेंटर से हम ऐसे ही वाटर स्प्रेड करेंगे।
इसमें कलर थोड़ा केयरफुली करना, ठीक है। ये देखो सारे स्टॉक्स जो हमारे कलर के दिखाई दे रहे थे वो सारे वाटर से मर्ज हो गए हैं और एक परफेक्ट कलर आ गया इसमें। सेम मेथड ही हम ऑनियन में करेंगे। ऑनियन में हमें पिंक कलर चाहिए। ऐसे ऑनियन में भी हम पिंक और पर्पल थोड़ा सा कलर, दो कलर मर्ज करेंगे आपस में। इसके साथ हमें लाइट पर्पल कलर भी थोड़ा यूज करना। और नीचे हमें इसमें ब्राउन भी हम सेम मेथड से ही वाटर से इसको कलर आपस में मर्ज कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। दोनों कलर को स्प्रेड कर देंगे। वाटर हल्का सा वाटर लेना है ब्रश में, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। कलर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें फाइनल टच देंगे स्केच थिन मार्कर, अभी है थिन मार्कर यूज करेंगे। कंप्लीट हो गया। अवर वेजिटेबल कंपोजिशन इज कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ एक्वा वाटर कलर।
पेंसिल, मार्कर, इरेजर और पेंट ब्रश।